बनाम बांग्लादेश हाइलाइट्स महिला विश्व कप 2022। भारत ने बांग्लादेश को 110 रनों से हराया। क्रिकेट नया 2022 आईपीएल 2022। नमस्ते दोस्तों, मैं आपको एक सहानुभूतिपूर्ण तरीके से बता रहा हूं। अगर आपको खबर पसंद है, आपको भारत मित्र होना चाहिए, आपको सदस्यता लेनी चाहिए। ICC महिला विश्व कप 2022 इंड वीएस बैन वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 लाइव। स्नेह राणा ने 4/30 रन लेकर भारत 229/7 ने बांग्लादेश 119 को 110 रनों से हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें जिंदा रखी। भारत को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी अपना मैच जीतना है। भारत बनाम बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप 2022 मैच का लाइव क्रिकेट स्कोर अपडेट प्राप्त करें। लाइव स्कोर कार्ड चेक करें। बॉल बाय बॉल कमेंट्री टाइम्स ऑफ इंडिया पर ऑनलाइन क्रिकेट स्कोर इंडिया ने अपने जरूरी मैच में बांग्लादेश पर 110 रन से जीत दर्ज की। खुद को सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में भारत ने यास्तिका भाटिया के अर्धशतक और शेफाली वर्मा की रन ए बॉल 42 पर सवार होकर 50 ओवरों में 229/7 पोस्ट किया। भारतीय स्पिनर स्नेह राणा 4/30 के नेतृत्व में फिर बांग्लादेश को 40.3 ओवर में 119 रनों पर समेटने के लिए एक प्रमुख प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ भारत ने शीर्ष चार में अपनी जगह पक्की कर ली और तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया। इतने ही आउटिंग से उसके 6 अंक हैं। मिताली राज की अगुवाई वाली टीम को अब साउथ के खिलाफ अपना आखिरी मैच जीतने की जरूरत है। अफ्रीका रविवार को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए कभी कभी ऐसा होता है। अपने फॉर्म पर मुझे लगता है कि पिछली बार मैंने 2012 में कुछ समय तक रन नहीं बनाए थे। साझेदारी करना महत्वपूर्ण था क्योंकि ये ऐसी सतह नहीं थी जहां एक नया बल्लेबाज तुरंत चल सके। हमने शुरुआती विकेट गंवाकर 230 रन बनाने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। ऑलराउंडर होने से निश्चित रूप से गहरी बल्लेबाजी की गद्दी मिलती है और इस तरह के टूर्नामेंट में यह अच्छा है। आप गेंदबाजी के विकल्प चाहते हैं और बल्ले से योगदान देने के लिए नीचे का कोई खिलाड़ी भी अधिक ऑलराउंडर लाने में चयनकर्ता भी एक ही पृष्ठ पर रहे हैं। लंबे समय से हमने हमेशा अपने स्पिनरों पर भरोसा किया है और हमारे पास बेहतरीन स्पिनर हैं। आज की सतह ने भी उनकी बहुत मदद की। हम यह नहीं कहेंगे कि हम स्पिन प्रमुख हैं। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम किस विरोधी के साथ खेल रहे हैं। हमने अभी तक क्राइस्टचर्च में कोई मैच नहीं खेला है, इसलिए यह एक चुनौती है। यह भारत के लिए अहम मैच है और हम सभी विभागों में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे।